हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ से चैनल पे पहली बार आ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर में कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, जो शॉर्टकट्स सेटिंग्स है वो आपको बताऊंगा, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करके बहुत ही अच्छा अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो सिंपली गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर से ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ। करने के बाद गाइस, आपको एक फोकस मोड मिल जाता है। फोकस मोड अगर आपको नहीं मिलता हो तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इधर सब लोग ला सकते हो फोकस मोड को। सिंपली गाइस, फोकस मोड पे अगर आप लोग जैसे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर से जितने भी सारे एप्लीकेशन को आप अगर टिक करके ट्रू ऑन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये टैग बैक में चला जाएगा। एंड जिस एप्लीकेशन को आपको टच करके उसको टैग बैक में किया हो, वो एप्लीकेशन आपको ओपन नहीं होगा। सिंपली गाइस, ये कुछ इस तरीके से एरर दिखा देगा। जब तक आप सेटिंग को ऑफ ना करेंगे तब तक वो नहीं होगा। तो ये आपको बता दिया मैंने। तो सिंपली गाइस, मैं और आपको बताता हूँ और आपको क्या मिलेगा, सेटिंग में मिलेगा। सिंपली गाइस, मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद गाइस, सिंपली मैं ऊपर कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर टर्न ऑफ ऑटो कनेक्शन, सिंपली गाइस उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर से आपके सामने देख सकते हो, यहाँ पर ऑल कनेक्शंस आ जाएगा, ब्लूटूथ लोकेशन, मोबाइल हॉटस्पॉट। तो गाइस, इसको अगर आप जैसे ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपके फ़ोन में कुछ अगर सब चीज़ चालू हो जाता है तो आपके फ़ोन में 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा। तो सिंपली गाइस, 15 मिनट पर रख देना, ये ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शंस ऑफ कर देगा। सिंपली गाइस, इसके बाद मैं फिर से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद गाइस, फिर से आपको सेटिंग में आ जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद सिंपली गाइस, और आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले पे आ जाना होगा। डिस्प्ले पे जैसे आता हूँ गाइस, डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ यहाँ पर से देख सकते हो ऑटो ब्राइटनेस, ठीक है, उसको अगर जैसे आप लोग ऑन करते हो ऑटो ब्राइटनेस को, सिंपली गाइस अगर आप बाहर निकलोगे अपने घर से तो आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा एंड आपको कंज्यूमर्स आपका डिस्प्ले अच्छे से दिखने लग जाएगा। तो सिंपली गाइस, ये आपको मैंने बता दिया। एंड मैं फिर से बैक चले जाता हूँ एंड फिर से गाइस मैं सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद सिंपली गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद गाइस, एक सेटिंग मिलता है एसेसिबिलिटी नाम से। सिंपली गाइस, एसेसिबिलिटी नाम से मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, ऊपर में देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाता है मेगास्फियर्स कुछ इस तरीके से। सिंपली इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर यूज़ सर्विस पर क्लिक करता हूँ। तो यूज़ सर्विस पर क्लिक करने के बाद बैक आना होगा। नीचे वाला एक ऑप्शन है, उसको भी यहाँ पर से अनेबल करना होगा। जस्ट इस तरीके से आपको दिख जाएगा, यहाँ पर गो इट पर क्लिक करना। जस्ट इस डुप्लीकेट आप इंसान पर क्लिक करके स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जूम हो जाएगा। तो सिंपली गाइस, मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। यहाँ पर से मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस, सिंपली आपको यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आ जाना होगा। सिस्टम सेटिंग में जैसे आते हो गाइस, सिस्टम सेटिंग में आने के बाद गाइस, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो लैंग्वेज एंड इनपुट के नीचे एक जस्टर का ऑप्शन मिलता है। सिंपली गाइस, गेस्टर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर से स्वीप टू कॉल और सेंड मैसेज, ठीक है गाइस, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद गाइस, मैं फिर से यहाँ पर एसेसिबिलिटी सेटिंग में आ जाता हूँ। एसेसिबिलिटी पर आने के बाद गाइस, थोड़ा सा जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो एंड कॉल विथ पावर बटन, ठीक है गाइस, इसको जैसे आप लोग ऑन करते हो, अगर आपके पास कोई कॉल करता है या आप कॉल को रिसीव करते हो तो आप स्क्रीन पर बिना टच किए पावर बटन को जैसे प्रेस करोगे तो आपका कॉल एंड हो जाएगा। सिंपली गाइस, मैं इसको ऑफ करता हूँ। सिंपली आपको फिर से बैक आ गया। तो सिंपली गाइस, फिर से एसेसिबिलिटी पर आना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एसेसिबिलिटी पर जैसे आते हो, आने के बाद गाइस, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है मोनो ऑडियो, इसको अगर जैसे आप लोग थोड़ा सा क्लिक करते हो, मतलब थोड़ा सा नहीं, इसको अगर जैसे आप अनेबल करते हो तो आपके फ़ोन का साउंड थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर से देखना। सिंपली गाइस, इधर से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस, सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट मैनेजर। स्मार्ट मैनेजर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऑप्टिमाइज फोन। सिंपली गाइस, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो ये ऑप्टिमाइज आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज हो जाता है। यहाँ पर सारा का सारा यूनिवर्सल डेटा वगैरह सब क्लियर कर देता है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो ये ऑप्टिमाइज। तो इसको होने देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर देख सकते हो 308 MB का मेरा ऑप्टिमाइज हो गया। सिंपली गाइस, बैक आता हूँ। बैक आने के बाद गाइस, आपका अगर बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता तो सिंपली गाइस उसके लिए क्या करना होगा, डिस्प्ले पे आना होगा। डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज ये आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। सिंपली ये ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद गाइस, फिर से बैक आना होगा। फिर से गाइस, आपको डिस्प्ले पे आ जाना होगा। डिस्प्ले पे आने के बाद गाइस, सिंपली नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन नेवर्स का
एक ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप नेम पे रहेगा, नोम पे रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर कलर्स पे जैसे क्लिक करोगे तो सिंपली अगर आप जितना टाइम आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाओगे तो आपका स्क्रीन ब्राइट हो जाएगा, कुछ कलरफुल लुक में चेंज हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।